सिया राम में सब जग जानी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 22 जनवरी की प्रतीक्षा सभी को है। अनुष्ठानों की इस लंबी प्रक्रिया में दूसरे दिन की गतिविधियों ने आज मूर्त रूप लिया, आचार्यों और विद्वानों की सम्मानित उपस्थिति में। लेकिन सबसे पहले लेखा जोखा पहले दिन की गतिविधियों का वाराणसी से पधारे आचार्य अरुण दीक्षित जी से। सर्वप्रथम कल इस आयोजन के जो प्रधान यजमान हैं उनका वहाँ पर सरयू घाट पर प्रायश्चित हुआ। किसी भी कार्य को करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, तो उस हिसाब से उनका क्षौर कर्म हुआ। उन्होंने बाल बनवाए, सरयू में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने व्रत ग्रहण किया पंचगव्य, उसको पी करके गाय की 5 वस्तुएँ गाय से प्राप्त होने वाली दूध दही घी गोबर गोमूत्र, उसको पंचगव्य बोलते हैं, उसको ग्रहण करके उन्होंने उस व्रत को ग्रहण किया। उसके लिए वो अधिकृत हुए। तो अब कल से लेकर के पूरे 22 तारीख तक इस कार्यक्रम के प्रधान यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र जी रहेंगे। वो सपत्नीक थे और उन्होंने व्रत ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से स्नान करके रामघाट विवेक सृष्टि पर आए, जहाँ पर अरुण योगीराज द्वारा जो मूर्ति चुन ली गई है वहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे और फिर वो जो प्रायश्चित का बाकी काम था, थोड़ा होम हवन भी था, उसको किया। और फिर मूर्ति का जो प्रथम कार्यक्रम शुरू होता है इस प्रतिष्ठा में, सर्वप्रथम मूर्ति को देखा गया आचार्य लोगों ने, जो इसके प्रधान आचार्य लोग काशी से आए हुए हैं उन्होंने उसको मूर्ति को निरीक्षण किया और उसको देखने के बाद फिर आज्ञा दी कि ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर ऐसा नियम होता है कि अभी तक अगर इस कार्य को करने के पहले मूर्ति में कोई त्रुटि हो तो उसको तत्काल उस दिन मूर्तिकार से कहा जाता है कि ये चीज़ इसमें अभी पूर्णता नहीं है तो इसको ऐसा कर लो। तो आचार्य लोगों ने आज्ञा दी और उसके बाद वहाँ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उसमें भगवान राम के नाम से हवन होता है, छोटा एक कुंड बनाया जाता है और प्रधान यजमान उसकी आहुति देते हैं और आहुति देने के बाद फिर शहद और घी से उसको जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे मूर्ति में कुछ लाइन वगैरह कहीं ऐसा कुछ उसका विधान है तो उसमें अपना उसको मर्दन करके मूर्ति को पूरा मर्दन कर देते हैं। और वहाँ एक भगवान से प्रार्थना होती है कि वो शिल्पी ही प्रार्थना करता है कि आपको बनाने में हथौड़ा है, छेनी है, ये सब चला है, शरीर का भी अंग पैर वगैरह टच हो गए हो, तो ये सब होने का वहाँ पर प्रार्थना करके उनको क्षमा मांगी जाती है और प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि अब आप अपने अपने घर में आपका देवा ये वास ये जो अपना मंदिर है भगवान का घर बोला जाता है इसको, वहाँ के लिए आप प्रस्थान करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। फिर वहाँ पर उस योगीराज ये जो हमारे हैं जो मूर्तिकार, उनकी भी पूजा होती है और उनको भी यथाशक्ति दक्षिणा वगैरह जो कुछ दी जाती है और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आरती इत्यादि करके और फिर मूर्ति को ढक दिया जाता है, मूर्ति पैक हो गई है। अब वो मूर्ति आज शाम को 4 बजे के बाद उन लोगों ने मीटिंग की है और उसको वो एक तो मूर्ति में काफ़ी वजन है तो उसको बहुत संभाल करके लाना है, वो शायद किसी भी हालत में आज रात को मंदिर में वो मूर्ति प्रवेश कर जाएगी। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता, तो सनातन संस्कृति में वैज्ञानिकता का पुट तो है ही और उसमें नैतिकता का भी है। जैसे आपने बताया कि मूर्ति में कहीं कुछ अगर शरीर का कोई अंग भी अगर छू गया हो तो उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसके जो परिमार्जन का ध्यान रखना है, साथ ही जो शिल्पकार हैं, तो सनातन में एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के जो शीर्ष पर भी है सबका अपना महत्व है। आचार्य अरुण दीक्षित से बात कर रहे थे हमारे प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी। धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या, धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या, जन्म जहां श्री राम लला जी, जन्म जहां श्री राम लला जी, सबके प्रिय भगवान अयोध्या, धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन की गतिविधियां आज आयोजित हुई पवित्र सरयू नदी के तट पर। जानकारी के साथ एक बार फिर से आचार्य अरुण दीक्षित। आज
सबसे पहले प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने के पहले जहाँ भी ये कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर सरोवर होगा, नदी होगी, तालाब होगा, उस दृष्टिकोण से वहाँ पर उसका उससे प्रार्थना की जाती है। और जल का बहुत महत्व है, हर तत्व का महत्व है, इसे जल का बहुत महत्व है। तो इस कार्यक्रम में सरयू का जल, सरयू नदी का जल प्रयोग होने वाला है, तो उस नदी का पूजन करने के लिए हम लोग जाते हैं। और वहाँ पर एक छोटी गणेश पूजा होती है और भगवान वरुण को भी प्रार्थना करते हैं, और फिर तीर्थ पूजा होती है, सरयू जी की पूजा होती है। फिर वो पूजा हो करके उस सरयू नदी में ही कुछ घी की आहुतियाँ दी जाती हैं, वो उनके बलिदान के निमित्त, उनके तोषण के लिए। तो उसके बाद जो है जलचर जो होते हैं उनके लिए भी कुछ छोड़ा जाता है कि वो भी मंडूक, मत्स्य इत्यादि जो जलचर हैं उनके लिए कुछ वस्तुएं छोड़ी जाती हैं उनको। फिर उसके बाद वहाँ पर सप्त सागरों की पूजा भी होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कल्पना है इक्षु समुद्र, पय समुद्र, दधि समुद्र, इन सातों समुद्रों की कल्पना है। तो उन समुद्रों की कल्पना, फिर वरुण की कल्पना करके वहाँ पूजन करके सारा जब पूजन संपन्न, आरती इत्यादि हो जाती है तो वहाँ नौ कलश होते हैं। तो घाट पर ये पूजन हुआ, उसके बाद सौभाग्यवती स्त्रियों, ये सारा पूजन हो करके, ये वरुण का पूजन, तीर्थ का पूजन, सप्त सागरों का पूजन, और उसके बाद वो जलचर जो होते हैं उनको कुछ द्रव्य, हम लोग धान का लावा वगैरह जो होता है वो सब देते हैं। वो सब देने के बाद सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करते हैं, और सौभाग्यवती स्त्रियां उन मंगल कलशों को जल भर करके अपने माथे में लेके चलती हैं। तो वो चली हैं और वहाँ से फिर आकर के यहाँ पर मंडप में उसको रख करके कपूर आरती हो करके वहाँ पर भगवान का विग्रह भी तब तक शायद पहुँच जाएगा। तो उसके बाद वो आरती करके हम लोग उसको, इस कार्यक्रम को विराम दे दिए। आचार्य जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग आए, तो अभी पूरा राष्ट्र, क्या समूचा विश्व ही आकाशवाणी के माध्यम से सुनकर या टीवी के माध्यम से देख करके ही जान पा रहा है अयोध्या में क्या हो रहा है, उसका रोम रोम रोमांचित हो रहा है। तो कुछ और ऐसी विशेष बात जो जन सामान्य को जानने लायक हो तो भी आप उसे जरूर साझा करें। हर कार्यक्रम की एक परिसीमा है, अयोध्या की भी एक परिसीमा है, उसको देखते ही प्रधानमंत्री जी ने बोला होगा, इसमें कोई अन्यथा लेने की कोई बात नहीं है। सबको समान दर्शन, प्राणी मात्र को दर्शन करने का अधिकार है, और भगवान राम सबके हैं, कोई हमारे आपके अकेले के नहीं है। भावनाएं उमड़ रही हैं, स्वाभाविक सी बात है, 500 साल की इतनी पुरानी बात है, तो अब सब कोई चाहेगा कि हम आ जाएं। बस निवेदन यही है, हम लोग घर बैठकर आनंद लें, प्रसारण होगा उसको देखें, सुने सब कुछ, यहाँ से एक एक वृत्तांत, एक एक चीज बताई जा रही है, तो उसका आनंद लें, और फिर जब समय हो तो आराम से आए दर्शन करने। रामलला विराजमान है, और हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, तो यावत सूर्या चंद्रमसौ, जब तक सूरज चांद रहेगा भगवान आप यहाँ स्थापित होइए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो उसमें ज़्यादा अधीर न होए और बढ़िया आराम से आएँ दर्शन करने के लिए, और इस उत्सव का आनंद जो है घर से ही लें अधिक से अधिक संख्या में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, जैसा कि हम सब भी देख भी रहे, महसूस भी कर पा रहे हैं कि अयोध्या के जनमानस से लेकर के समूचे प्राणी मात्र में एक अलग सा रोमांच है, तो उस पूरे को शब्दों में समा पाना भी शायद थोड़ा संभव सी बात नहीं। बिल्कुल संभव नहीं है, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। बहुत से लोगों को तो हमने देखा जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, कार सेवा वगैरह में लोग आए हैं, बहुत वृद्ध लोग भी आए हैं, तो वो तो रो पड़ रहे हैं। तो उनके मन की जो उनका जो हर्ष है उसको तो हम भी नहीं बता पाएंगे, उन्होंने कितना उसको महसूस किया है और कितना उसके लिए संघर्ष किया है। आचार्य जी की जो प्राण प्रतिष्ठा में जो आचार्यों की मंडली है उसमें से आप एक सदस्य हैं, तो उन आचार्यों के बीच में क्या उत्साह है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं उस मंडली का एक सदस्य होने के नाते? ये बता पाना बड़ा कठिन है, पूरे भारतवर्ष विद्वानों की कमी नहीं है, आप तो जानते हैं, और ये संभव नहीं हम लोग 121 लोग आए तो सभी लोग आ गए होंगे, लेकिन उसका भी एक योग्यता के हिसाब से सबको बुलाया गया है। तो सभी के मन में था कि हम चलें, इतना बड़ा कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस प्रतिष्ठा से सन 92 से जुड़ा हूँ, सन 92 में भी एक यज्ञ हुआ था इसमें, उस समय भी मैं था, शिलान्यास में भी मैं आया था, तो और इसमें आया हूँ, तो ये मेरे लिए तो कुछ बता पाने में संभव नहीं हूँ क्या है। ये भगवान राम की कृपा और समझ लीजिए मेरा कुछ पूर्व जन्म का सुकृत है। Thank you.
अयोध्या में इस समय देश दुनिया से आए हुए श्रद्धालुओं का मानो जमघट लगा हुआ है। चारों ओर श्रद्धालुओं की मेले सी उमड़ी भीड़ है, चारों ओर उत्सव का माहौल है। श्रद्धालुओं की मेले सी भीड़ अयोध्या में उमड़ी हुई है। आसाम और बंगाल के श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी। जय श्री राम। हम आसाम नोटलगी में हरमंदिर से अयोध्या राम मंदिर का पदयात्रा कर रहे थे। फाइनली हमने दो दिन पहले अयोध्या पहुँच ही गए। दिन मतलब दो महीना चार दिन में हम अयोध्या पहुंचे जी। तो ये द्वय हैं, द्वय पथिक हैं जो वहां से पदयात्रा करते हुए आए, तो कितना कठिन रहा ये आपकी यात्रा? उतना कठिन भी नहीं था। अच्छा। हमारे लिए वो बहुत अच्छा सफर था। मतलब लोगों ने, पब्लिक ने काफी ज्यादा मदद किया हमारे। कुछ संगठन के लोगों ने भी बहुत ज्यादा मदद किया, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, RSS के लोगों ने, हमारे आम आदमी ने भी तो किया होगा। हाँ, पब्लिक ने भी, वही बोल रहे है कि हर किसी ने हमारा मदद किया इस यात्रा में, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, तो अब अयोध्या आ गए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? यहाँ पर आके तो अच्छा लग रहा है। हमें मानिए कि मतलब एक हफ्ता पहले ही विधायक जी और उनके साथ एक भैया मिल गए थे, तो उन्होंने मतलब उनके घर पर रहने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा। बाकी हमारे जो वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं से दोस्त मित्र लोग आए हैं, उनसे मिला बातचीत। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ जो मतलब हो रहा है वो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जी जी, तो उसके और भी कारण, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं और लोग पूरे अयोध्या में सुरक्षा के भी काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, बहुत टाइट सिक्योरिटी की गई है। अच्छा, ये बताइए कि आपने रामलला का दर्शन कर लिया? जी, हमने कर लिया कल की। अच्छा, तो आप थोड़ा बहुत तो भीड़ था। हाँ, बट उतना ज्यादा नहीं था। जैसे कि ये पता है 22 को तो हमारी तो एंट्री होने वाली है नहीं। उसके बाद हम ट्राई करेंगे। 22 के बाद हमें जो रामलला का नया मंदिर बनने जा रहा है उसमें दर्शन करने को मिल जाए प्रभु से, बस वही। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आ गए तो किसी प्रकार की असुविधा तो आपको नहीं हो रही है? फिलहाल तो हमारी तो असुविधा नहीं हो रही, बट हमारे और मित्रों की बाहर से साइकिल से आए हैं, कोई पैदल से आए हैं, ये पैदल आए हैं। हाँ। जो उनसे पूछ लीजिए आप, वो अपना प्रॉब्लम फेस करेंगे। हाँ। जो कि वेस्ट बंगाल से आया हुआ है। अच्छा, 12 कंप्लीट करके हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। फिर मन में श्रद्धा आया कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। हाँ। तो बस घर से निकल दिए, तो एकदम सेलिब्रिटी हो जाएंगे। तो वैसे तो प्रभु का लीला अभी कुछ भी नहीं बता सकते हम लोग। ऐसा क्या होने वाला है वहाँ? भव्य स्वागत तो होगा ही। हाँ, वो तो होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान राम की नगरी से जा रहे हैं और ये मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, मर्यादा की नगरी है। तो आशा करते हैं कि आपकी जो यात्रा है सफल होगी और भगवान आपके सारे मनोरथ पूरा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय
जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता। संग सनीचर होत हुचेरो। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय दुष्ट दुशासन बिमल द्रौपदी दुष्ट दुशासन बिमल द्रौपदी चीर उतार को मंत्र प्रेरो। ताकि सहायक री करुणा निधि ताकि सहायक री करुणा निधि। बढ़ गयो चीर के भार घनेरो। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय जाकी सहायक री करुणा निधि ताके जगत में भाग्य बढ़ेरो। जाकी सहायक री करुणा निधि ताके जगत में भाग्य बढ़ेरो। रघुवंशी सन तन सुखदाय रघुवंशी सन तन सुखदाय। तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। कौन बिगाड़ सके नर तेरो। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में प्रवेश से पहले माँ सरयू का दर्शन कर उनकी अनुमति लेनी होती है। सरयू महिमा का चित्रण वीर भगवान मंदिर विद्याकुंड अयोध्या के महंत कौशल्यानंद वर्धन मिश्र जी से। सरयू माता का और श्री राम से लगाव है। सरयू का दर्शन मात्र जो कर लेता है वो श्री राम को प्राप्त कर लेता है। एक बार महाराज दशरथ जी स्तुति कर रहे थे सरयू तट पर, इतने में माता सरयू प्रकट हुई और चारों भाई दशरथ जी के गोद में बैठे थे। माता सरयू से कहा दशरथ जी ने कि इन चारों के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखिए। तो माता सरयू ने अपनी कुक्षी को दर्शन कराया तो उसमें देखा दशरथ जी ने कि चारों भाई उसी में नित्य निवास करते हैं। भगवान के नेत्र से ही प्रकट हुई सरयू जी हैं, उन्हीं की अंग है, उनसे अलग नहीं है। सरयू के जल की इतनी महिमा है कि मन्वंतर सहस्त्रेशु काशी वासेशु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। 1000 मन्वंतर तक काशी में वास करने का जो फल है वह सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। 1 कल्प तथा मथुरा में वास करने का जो फल है 1 कल्प तक
वो केवल सरयू के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। 60,000 वर्ष तक गंगा में विधान पूर्वक स्नान का जो फल है वह इस अयोध्यापुरी में आधे पल में वास करने से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में इसका वर्णन है। तो ऐसे सरयू माता के जल को ले आकर के श्री रामलला का स्नान आदि कृत्य और श्री अवध और तीर्थ की महिमा विचित्र ही है। अयोध्या चा परब्रह्म सरयू सगुणा पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या इस पद का तात्पर्य है कि अकार का अर्थ है वासुदेव, यकार का अर्थ है ब्रह्मा तथा उकार का अर्थ है शंकर। इन तीनों का श्रेष्ठ मुनिगण जिस स्थली पर ध्यान करें उस स्थान को अयोध्या कहते हैं। समस्त उपपातकों के सहित ब्रह्मत्याधिक महापाप अर्थात छोटे से बड़ा पाप बड़े से बड़ा पाप जिस नगरी में रह करके युद्ध नहीं कर सकता अर्थात उस नगरी में टिकता नहीं है उसे अयोध्या के नाम से विद्वज्जन जानते हैं। ये आद्यापुरी अयोध्या में भगवान राम स्वयं विचरण करते रहते हैं। आओ चल के अयोध्या में देखें राम सरयू नहाते मिलेंगे। नित्य भगवान यहाँ चलते हैं इसलिए हमारे श्री अवध में जो भक्त और महात्मा हैं अधिकतर नंगे पैरों भी सवारी पर नहीं चलते हैं, भ्रमण करते हैं कि न जाने किस गली में ठाकुर जी मिल जाएं, न जाने कहाँ भगवान मिल जाएं। बोलो सरयू मैया की जय। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिवसीय आयोजनों के आज दूसरे दिन की और अधिक जानकारी के साथ वीर भगवान मंदिर विद्याकुंड अयोध्या के महंत कौशल्यानंद वर्धन मिश्र जी। सुवासिनी स्त्रियां 16 श्रृंगार से युक्त माताएं कलश को लेकर के आवाहन वरुण का पूजन आदि करें। इसके बाद जल माताओं की भी पूजा की जाती है। अग्निकोण में वस्त्र से ढकी हुई भूमि पर अक्षत का 7 पुंज दक्षिण से उत्तर की ओर बनाया जाता है। जल माता का ये द्योतक है। मत्सी कूर्मी चा वाराही दुर्दरी मकरी तथा जलूकी तंतुकी चैव सप्तैता जल मात्रा। उसके बाद जीव माता का भी ध्यान किया जाता है। कुमारी धनदा नंदा विमला मंगला चला पद्मा चेत सुविख्याता सप्तैता जीव मात्रा। और स्थल माताओं की भी पूजा की जाती है। उर्मी लक्ष्मी महामाया पान देवी तथैव चा वारुणी नर्मदा गोधा सप्तैता जल स्थल मात्रा। इस प्रकार से जल के देवता वरुण आदि की पूजा के साथ इन माताओं की पूजा करके फिर कलश के जल को लेकर के और प्रतिष्ठा के लिए भगवान विष्णु विष्णुआदि प्रतिष्ठांग भूतत्वेन जल यात्राम करिष्ये ऐसा संकल्प में बोला जाता है। तब भगवान की प्रतिष्ठा के लिए ये जल यात्रा हमने किया है। अयोध्या जहां देश दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं परंतु इन अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ के नागरिक कैसे तत्पर हैं बता रहे हैं नीरज सिन्हा जिनसे बात की है आलोक गुप्ता ने। नीरज जी आप ये बताइए कि राम पथ का निर्माण हुआ और बहुत शीघ्र ही रामलला अपने दरबार में जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का इसमें सहयोग रहा और बहुत ही कम समय में राम पथ का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है और ये 22 जनवरी तक पूरा भी हो जाएगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि 14 किलोमीटर का लंबा जो मार्ग था इसको बहुत ही कम समय में पूरा किया गया। चौड़ी सड़कें, जगह जगह पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, हर तरफ लगता है कि हम अयोध्या में प्रवेश कर गए। राम पथ जो है यही दिखाता है, शुरुआत से ही जो हमारी यहाँ पर वरुण देवता की मूर्ति लग गई शहादतगंज में, स्वागतम की मूर्ति लगी है, ये मन आनंदित हो जाता है। राम मंदिर जाने के लिए कदमों में ऑटोमेटिक तेजी आ जाती है। लेकिन क्या मानते हैं कि जो आज से एक वर्ष पहले इस कार्य का प्रारंभ हुआ और बहुत तेजी से इसको निपटाने का प्रयास भी सरकार के माध्यम से किया गया, नागरिकों ने भी सहयोग दिया, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको लगी, क्या कुछ असुविधाएं आपको लगी इस दौरान? देखिए
आलोक जी, ऐसा है कि कोई भी नया कार्य होता है तो उससे पूर्व जो है कुछ परेशानियां तो झेलनी ही पड़ती हैं। तो हम जो नागरिक थे, शहर के जितने भी हमारे भाई बहन है, सबने बहुत समस्याएं झेली आने जाने में, इधर रास्ता बंद उधर रास्ता बंद, लेकिन आज वो लगता है अब देखकर कि वो परेशानियां कुछ ही देर की थी, जो आने वाली सुबह है वो बहुत सुहावनी है। बिल्कुल सुहावनी होगी सुबह, और निश्चित है कि हम सब राममय होंगे। हम सब उसमें एक जो भजन है, कीर्तन है, जो एक बहुत बड़ा आयोजन होना है, इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? तो राम की नगरी में रहते हैं, राम की नगरी में होने के नाते आपका क्या इस बारे में कहना है? देखिए, सरकार ने जो कुछ किया वो तो ठीक ही है, लेकिन आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हर एक नागरिक का भी कर्तव्य अहम है। जो सुविधाएं दी है सरकार ने, उसको हम तोड़े फोड़े नहीं, जगह जगह पान खाकर थूके नहीं, और जो भी चीजें बनाई गई हैं उनको तोड़े फोड़े नहीं, इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो अयोध्या स्वच्छ और सुंदर बनी रहेगी, और आने वाले जो आपका समय उसमें यहाँ पर्यटक बढ़ेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जो हमारा जिला है वो विकास के पथ पर अग्रसर होगा। निश्चित अग्रसर होगा। बहुत सारी मतलब नियोजक जो हैं, उन्होंने भी अपने आप को यहाँ पर लाने की कोशिश करी है, और सरकार तो कर ही रही है। क्या मानते हैं आप कि हमारा जो रामलला जी का आगमन होने वाला है, और उस आगमन के नाते हमारे पास बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन एक चीज हमें और बताते चलें आप कि प्रभु श्री राम की नगरी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, रोडों का चौड़ीकरण हो, चाहे बहुत सारी आभा का परिवर्तन हो, इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आलोक जी? एक तरफ जहाँ विकास होता है तो उसका दूसरा पहलू भी है। इसमें हमारे बहुत व्यापारी भाइयों ने परेशानी झेली है, बहुत लोगों की दुकानें भी चली गईं, बहुत लोगों के जो रोड पर जमीन थी चली गई। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जैसे हम अयोध्या वासियों ने उनको सहयोग दिया, वैसे सरकार भी इसका पता लगाए कि इनकी दुकानें गई है, उनको अलग मुआवजा दे, उनको अच्छा मुआवजा दे, उनको जगह उपलब्ध कराए। हम सभी खुश रहेंगे तो अयोध्या खुश रहेगी। बिल्कुल खुश रहेगी, और आप सबका उसमें शामिल है सहयोग। अंत में एक चीज जानना चाहेंगे, रामलला के दर्शन, रामलला की जो आभा है उसको बनाए रखने में पर्यटक जो आएंगे उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारे तो देश की हमेशा से जो है ये संस्कृत रही है, अतिथि देवो भवा। तो जो भी पर्यटक आएंगे, हम अपने सभी भाई बहनों से, अपने सभी दुकानदारों से, अपने सभी ऑटो रिक्शा वालों से सबसे सहयोग करते हैं कि वो जो है पर्यटकों को जो है सम्मान दे, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, जिससे हमारे जो है जनपद की, हमारे अयोध्या नगरी की ये जो महिमा है ये पूरे देश में फैले। सिया राम में सब जग जानी। श्रोताओं, ये थी अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दूसरे दिन की गतिविधियों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर सदक हुसैन, प्रस्तुति सहयोग सरस्वती पाठक और कुंवर बहादुर सिंह, कल्पना व निर्देशन मीनू खरे, और प्रस्तुतकर्ता आशीष चतुर्वेदी और जयंत पटेल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया। तीसरे दिन की गतिविधियों के साथ कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम। सिया राम में सब जग जानी।